हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनजी गेमिंग। आज मैं आप लोगों के लिए सोचा हूँ फिर से फार्मिंग सिमुलेटर 20 का एक और नया ब्रांडी और न्यू एपिसोड। आज हम सोयाबीन की कटाई करने वाले हैं। अपने पास ये जॉन डियर का हार्वेस्टर, आपने हमारी अगली वीडियो में देखा ही होगा। हमारे पास है महिंद्रा 575 ट्रैक्टर। अब हम लेके चलते हैं अपने जॉन डियर हार्वेस्टर को। ये हम अपने रोस्टर को लेकर निकल चुके हैं। इस खेत में भी हम बहुत जल्दी ही जुताई करने वाले हैं, उसकी भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी ही। जो सामने का जो खेत दिख रहा है पका हुआ, वहीं पे हम काटने के लिए जा रहे हैं। इन खेतों में भी मैंने अब तक कुछ नहीं बोया, आज तक सिर्फ काटा ही है। अब हम बोएंगे, अपने अगले वीडियो में ज़रूर खेतों में बीज को बोएंगे। हम अपने मशीन को लेकर चुके हैं, जैसे काटना स्टार्ट कर देते हैं। देख ही सकते हो कैसे काटते हुए जा रही है अपना हार्वेस्टर। इतने अच्छे से कटा कर है अपना हार्वेस्टर, 900 RPM पर चल रहा है, क्योंकि इसके सामने का ब्लेड बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए 900 RPM पर चल रहा है अपना हार्वेस्टर। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इस हार्वेस्टर की, आप देख ही सकते हो। ये अपनी पहली लाइन ख़त्म होने जा रही है, उसके बाद हम दूसरी लाइन लेंगे। ये शायद से 6 से 7 चक्कर लगाएंगे इस खेत के, तो ये पूरा का पूरा खेत ही कट जाएगा। कुछ ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला हमको काटने में, थोड़ा रिवर्स लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बच गया है। ये दूसरी लाइन ले ली है हमने, ये पीछे से स्प्रे जैसे निकल रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रो नहीं बनती, इससे सीधा खेत को ही खाद लग जाती है, इसलिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है अपने लिए। अच्छे से दिख नहीं रहा, आप सामने की तरफ देख ही सकते हो, येलो येलो सा दिख रहा है पूरा का पूरा जगह। थोड़ा ग्राफिक प्रॉब्लम है, ग्राफिक को सही करना पड़ेगा। ये दूसरी लाइन भी खत्म हो चुकी है, अब रहते हैं तीसरी लाइन। मैं आप लोगों के लिए और भी 2-3 ट्रैक्टर्स जैसे कि फार्मटेक, मेसी फर्ग्यूसन जैसे ट्रैक्टर्स के वीडियोस लेके आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो भी मोड अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पता है कि वो मोड कौन से यूट्यूबर के पास है, तो उसकी लिंक मुझे कमेंट में दे देना, मैं वहाँ से उसके चैनल से डाउनलोड कर लूँगा और फिर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, बहुत ही बढ़िया वाला। मेरे पास सिर्फ अभी महिंद्रा, मिसी फर्ग्यूसन, फार्म ट्रैक और न्यू हॉलैंड ही है। मेरे पास स्वराज, कुबोटा, सोनालिका जैसे ट्रैक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है।
ये हमने चौथा चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि ये खेत छोटा है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको। ये अच्छे से जो हार्वेस्टिंग हो रही है अपने, सोयाबीन की ये कंबाइन बहुत ही अच्छे से चल रहा है, आप देख ही सकते हो इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप भी ये गेम खेल रहे हो तो इस हार्वेस्टर से ट्राई करके ज़रूर देखना। थोड़ा सा ढलान वाले खेत है इसलिए अच्छे से कैमरे से पता नहीं चलता कि कहाँ से अपना हार्वेस्टर घूम रहा है। ये हमने अपना हार्वेस्टर घुमा लिया। सात से और दो चक्कर लगेगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा खेत हार्वेस्टेड हो जाएगा। शायद से बारिश होने लग चुकी है। थोड़ा पीछे ले लेते हैं अपना हार्वेस्टर को, बारिश होने लग चुकी है। अब देख ही सकते हो कैसे होने लग चुकी है बारिश। एक इसे छींटे गिर रही है। हम लोग हार्वेस्टर में बैठ जाते हैं क्योंकि हम भीगना नहीं चाहते अपना। तब तक महिंद्रा ट्रैक्टर में आ चुके हैं हम अपने। इस ट्रैक्टर में ही हमने अगली वीडियो में सनफ्लावर्स को लोड किया था। उन फ्लावर्स को हम जो सनफ्लावर्स वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है इसलिए वो नहीं आई। नहीं शायद से आ जाएगी। मैंने आज डालने के लिए एक वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई इसलिए नहीं आ पाई। अब हम सीधे सोयाबीन की वीडियो बनाऊंगा। ये अपना महिंद्रा 575 लिया ट्रैक्टर अच्छे से जा रहा है। बड़ी वाली ट्रॉली है ये इसलिए कोई भी टेंशन नहीं है। देख ही सकते हो महिंद्रा 575 डीआई की परफॉर्मेंस कैसे धुआं निकालते हुए जा रहा है। ये सामने टकरा गया मजे लेने के चक्कर में। अपने इस महिंद्रा 575 ट्रैक्टर को भी खेत में लेके चल जाते हैं। शायद से फंसे गए हैं इसलिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बहुत स्लिप खा रहा है, आप देख ही सकते हैं अपना ट्रैक्टर कितने स्लिप खा रहे हैं अपने ट्रैक्टर के टायर। ये हम लेकर चुके अपना हार्वेस्टर के पास अपने ट्रैक्टर को। थोड़ा जूम करके देखते हैं कैसे लगते हैं अपना हार्वेस्टर। थोड़ा ग्राफिक वेरिएबल है, ग्राफिक चेंज कर लेते हैं कैसा जाता है देखेंगे हम लोग। ये मोबाइल हैक मार गया। अब देख ही सकते हैं कैसे चल रही है, अच्छे से चल नहीं पा रही है।
अब अच्छे से थोड़ा सा दिख रहा है, हमें देख ही सकते हो कैसे अपना ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खड़ा है सामने की तरफ। आज के बाद इसी मीडियम में रखे खेल के कि इस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एच गेमिंग। आज मैं आप लोगों को एक जगह फिर से फार्मिंग सिमुलेटर 2021 एपिसोड आज हम खेलने जा रहे हैं महिंद्रा 575 ट्रैक्टर से। और ये है हमारे पास रोटावेटर बड़ा वाला, आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है। ये इंडियन वोल फार्मिंग सिमुलेटर 20 का आज हम अपने खेत में रोटावेटर चल रहा है। आप अपना ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं, ये अच्छे से जाते हुए ये हम अपना मोड़ आ चुके हैं। हम लोग अपनी गड्डी लेके जा चुके हैं, ये अपना ट्रैक्टर जा रहा है। कैसे जा रहा है आप देख ही सकते हो कैसे आवाज़ निकल रहा है, इसकी फायरिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। ये यहाँ पे घर आ चुका है, यहाँ से शायद से किसी का घर होगा। यहाँ पे स्लो करते हैं क्योंकि यहाँ पे मोड़ है। यहाँ से हमने घुमा लिया अपने ट्रैक्टर को और भगाते हैं यहाँ से जोर से। ये भागने लग चुका है अपना ट्रैक्टर, आपको दिखाई दे रहेगा सामने कर अपना हार्वेस्टर और ट्रॉली खड़ी है। इधर बारिश होने की वजह से अपना सोयाबीन कट नहीं पाया है अभी तक। तब तक हम इस खेत को थोड़ा बहुत रोटावेटर लगा देते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तब तक कुछ और काम करना तो बनता है। ऐसी परफॉर्मेंस देता है अपना ट्रैक्टर इस रोटावेटर के साथ। आप देख के अचंभित रह जाओगे। इसकी इतनी स्पीड होती है, आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से अपना ट्रैक्टर रोटावेटर करते जा रहा है। अपना 900 आरपीएम पे चल रहा है लेकिन थोड़ा मुड़ जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद से बारिश होने की वजह से टायर स्लिप खा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। साथ से रोटावेटर बड़ी पड़ रही है जिसकी वजह से ट्रैक्टर आगे से उठ जा रहा है और साइड पे खिसक जा रहा है। इस ट्रैक्टर के सामने कुछ लगा हुआ भी नहीं है, इसलिए ये ट्रैक्टर थोड़ा ऐसे चल रहा है। ये अच्छे से जा रहा है अपना रोशो, ये थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, इसका कोई भी टेंशन नहीं है अपने को। वो अगली बार हम कर लेंगे, बाद में चारों ओर एक चक्कर तो लगना पड़ता ही है, आपको पता ही होगा। ये थोड़ा जाए जितना कटा है इतना, जब तक हम रोटावेटर करेंगे तब तक बारिश भी रुक जाएगी शायद से। ये एक लाइन खत्म हो चुकी है, अब देख ही सकते हो कैसे अपना ट्रैक्टर काम कर रहा है, कैसे आगे का उठ गया है और साइड पे खिसकता जा रहा है।
ये अपना ट्रैक्टर अच्छे से जा रहा है, आप देख ही सकते हैं कैसे आवाज़ निकाल रहा है। 22 भी बहुत ही तेज हो रही है, इसलिए ये कटना बच चुकी है। मैं थोड़ी बहुत फसल काट ली थी, इतनी आधे से ज़्यादा काट लिया, अब शायद 2 चक्कर बचे थे, लेकिन वो तो बारिश होने लगी इसलिए उसको मैं काट नहीं पाया। पहले इस खेत को काट लीजिए, बाद जितना है इतना हम रोटावेटर कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कैसे कर रहे हैं, अपना ट्रैक्टर महिंद्रा बहुत ही अच्छे से चल रहा है, कैसे धुआं निकल रहा है काला काला। शायद से आगे का टायर उठ के चल रहे हैं, आप देख ही सकते हो, इसकी वजह से ये आगे का साइड पे उठ के चला जा रहा है, शायद से स्लिप कर रहे हैं अच्छे से, इसकी वजह पता नहीं चल रही, लेकिन ये स्लिप ही कर रहा है लगता है ज़्यादा, क्योंकि ये साइड पर सरक के चला जा रहा है आगे का। ये अपने आधी लाइन खत्म कर चुकी है, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये ससुरा ट्रैक्टर बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, आप देख सकते हैं आगे का साइड पे उठ जा रहा है, अगली बार में कोई और बड़े बड़े वाले ट्रैक्टर के साथ खेलूंगा, जैसे कि जी अपने पास है जॉन डियर, जैसे कहीं और ट्रैक्टर से उनके साथ खेलेंगे। ये अपना ट्रैक्टर अच्छे से जा रहा है चूते हुए, एरिया में ख़त्म हो चुके, इधर से बादल हटना स्टार्ट हो चुके हैं और सुबह हो चुकी है। अब देख ही सकते हो कैसा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर में पूरे के पूरे बादल हट जाएंगे, बारिश रुक जाएगी, उसके बाद हम पहले अपने सोयाबीन की फसल को काट लेंगे और उसके बाद हम इस ट्रैक्टर को मतलब कि इस खेत को जोतेंगे हम। कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है आप देख सकते हैं, अपना महिंद्रा 575 डी है, ये बारिश होने की वजह से इसके टायर स्लिप हो जा रहे हैं, इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी ख़राबी आ रही है, नहीं तो ये भी 900 आरपीएम से लेके 1000 आरपीएम तक आराम से चल लेता है। जैसे धुंधला धुंधला से ऑरेंज रंग का पूरा मौसम हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। थोड़ी सी बारिश अब कम होने लग चुकी, फिलहाल काफ़ी टाइम बाद बारिश रुक चुकी है, अब हम काटना स्टार्ट कर देते हैं अपने सोयाबीन की फसल को। ये काटना स्टार्ट हो चुकी है, शायद से 2 चक्कर में पूरे के पूरे कट जाएगी। अपने हार्वेस्टर के टायर भी थोड़े थोड़े स्लिप हो रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बारिश होकर रुकी है तो स्लिप तो होने ही है टायर। इसलिए थोड़ा अभी भी बारिश है, इसलिए थोड़ा मौसम भी धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। आप लोगों को पता ही होगा जब बारिश होती है तब मौसम कैसा होता है, जब बारिश ख़त्म होती है तब। ये और एक लाइन ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ से घुमाते हैं अपना रिस्टर को फटाफट से, थोड़े रिवर्स ले लेते हैं। शो 2 चक्कर लगवाएगा अपना हार्वेस्टर, खेत थोड़ा बड़ा ही है लेकिन अपना हार्वेस्टर भी कुछ कम नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया अपना हार्वेस्टर ने, बहुत ही जल्दी खेल ख़त्म कर दिया।
पूरे के पूरे खेत का चाहिए, और दो चक्कर में तो पूरा का पूरा खेत ख़त्म हो जाएगा, काटने काट डालेंगे हम पूरे के पूरे खेत को। एक दिन हम स्पेशली पूरे के पूरे मैप को एक्सप्लोर करेंगे, इस खेत को जोत डालेंगे, उसके बाद हम पूरे के पूरे मैप को एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ जाएगा। हार्वेस्टर कैसे जा रहा है आप देख ही सकते हो, उसकी स्पीड बहुत ही कम है, 900 RPM पे चल रहा है। इसके खेत भी बहुत बड़े हैं, इसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लगता है, क्योंकि इतने ही स्लो से हम लोग काम करेंगे तो वो बड़ा वाला खेत है उसे काटने में तो 2 दिन लग जाएंगे मेरे को, और वीडियो भी 2 दिन के बाद ही आ चुकेगी आएगी फिर तो, इसलिए इसकी स्पीड भी बहुत जल्दी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये इस कोने तक आ चुके हैं हम काटते हुए, इधर से घुमा लिया अपने हार्वेस्टर को, थोड़ी सी एक लाइन बच चुकी है, इसको भी हम बाद में काट लेंगे, उसकी कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ एक ही लाइन बची है, धुआं धुआं सा हो चुका है, लगता है इधर सर्दी का मौसम इतनी जल्दी आ गया, बारिश ख़त्म होते ही सर्दी का मौसम आ गया, पूरे और धुआं धुआं हो रखा है। जैसे ठंडी में सुबह का मौसम में जैसे धुआं धुआं हो रखता है, वैसे ही पूरा का पूरा धुआं धुआं हो रखा आपको दिखाई दे रहा होगा चारों ओर। अपना हार्वेस्टर अच्छे से जरा, इसके हार्वेस्टर के अंदर का ग्राफिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख ही सकते हो। अपना हार्वेस्टर 200 RPM में जरा है, इस अब तो पूरा खेत जोते जाने वाला है, इसके बाद हम बहुत कुछ करने वाले हैं जिसको देख के आपका बहुत ही मजा आएगा। बाहर के कैमरे से खेलने में मजा आ रहा है, अंदर से कैमरे में बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, 1000 RPM पे चल रहा है, लेकिन टायर थोड़े स्लिप खा रहे हैं, इसलिए अपना हार्वेस्टर की स्पीड स्लो है बारिश होने की वजह से। इधर से घुमा लिया अपने हार्वेस्टर को,